तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अरावली मामले पर अपने रुख को और सख्त किया है। हुड्डा ने इस मामले पर सरकार पर करप्शन का आरोप लगाया। सरकार ने भूमि में लूट बाजार की लूट रहे हैं। करप्शन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई। कांग्रेस ने अरावली को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व सीएम हुड्डा ने अरावली को लेकर सरकार पर करप्शन का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सरकार पर पर्यावरण में समझौता करने का आरोप लगाया। और फरीदाबाद आज गुड़गांव दुनिया में सबसे ज्यादा वो है दूषित पर्यावरण दूषित हुआ है उसमें, और उसके बाद तो और भी कोई वो था। इसी प्रकार से फरीदाबाद का कंसोलिडेशन जो चलाया था 2012 में हमने रुकवाया था ताकि वहाँ लूट ना हो। आज पाकिस्तान के हमारे सैनिक तो अपनी जान दे रहे हैं भूमि के लिए अपने, और ये हरियाणा सरकार ने भूमि में लूट मचा रखी, लूट रहे हैं इसको, हजारों करोड़ का घोटाला किया उन्होंने। इस मौके पर कांग्रेस ने राज्यपाल से सरकार को बर्खास्त करने और मामले में दखल देने की मांग की। राज्यपाल जी को कहा एक तो वो अपना स्वयं का विशेषाधिकार इस्तेमाल करें और उसका यूं को ही वापस भेजे, जो बिल लेके आए उसको वापस भेजे। दूसरा, इस सरकार को बर्खास्त करें क्योंकि ये जन विरोधी सरकार, इतना जन विरोधी फैसला लिया है, जन भावना के खिलाफ लिया। आज वहाँ मानव जो है चेन लगी खड़ी है, इस बात लोग खड़े 3-3 किलोमीटर की खड़े हैं इसके विरोध में। जन विरोधी सरकार को बर्खास्त करके और न्यायिक जाँच कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक जाँच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी, कभी आपने सुना 24 घंटे के अंदर जैसे ही ये बिल पास हुआ 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जबरदस्त फटकार इस हरियाणा सरकार को लगाई है और उसको बहुत कुछ कहा है। इस मौके पर हुड्डा ने पार्टी में किसी भी तरह की फूट की खबरों से इनकार किया। हुड्डा ने जींद उपचुनाव में हार को कोई बड़ी घटना मानने से इनकार करते हुए उपचुनाव में सरकार पर सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। कोई फूट नहीं है, अलग अलग जो धड़े हैं, कोई धड़ा नहीं है कांग्रेस में, कांग्रेस का धरातल मजबूत है। चर्चाएं हैं कि बीजेपी सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, क्या इसका फायदा मिलेगा बीजेपी? कांग्रेस के प्रत्याशी को तो पता ही है सबको, रोहतक से पता है ना आपको कौन है और कांग्रेस का प्रत्याशी। लेकिन बीजेपी के निशाने पर दीपेंद्र हुड्डा वो कह रहे हैं कि अब की बार दीपेंद्र को जरूर हराएंगे हम लोग। ये ना बीजेपी के हाथ में ना और किसी हाथ में, तो लोगों के हाथ में है। लोग जिताएंगे तो जीतेंगे, लोग हराएंगे तो हारेंगे, क्या बात है इसमें? मुद्दे क्या रहेंगे? सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अरावली को लेकर जिस तरह मोर्चा खोला है उससे साफ है कि पार्टी चुनाव में इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। सुरेंद्र सिंह, टोटल न्यूज, रोहतक।